नमस्कार वेलकम टू स्टडी आई मैं हूं प्रशांत धवन नाम बहुत ज्यादा कम देखने को मिलता है दुनिया में कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक कंट्री के लीडर के लिए उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए अपना फ्लैग आधा नीचे कर ले और नेशनल मॉर्निंग डिक्लेयर करे यहां पे आप देख पाओगे दुनिया भर का मीडिया इसको कवर कर रहा है कि इंडिया पाकिस्तान दोनों ने ईरान के प्रेसिडेंट की रिस्पेक्ट में आपको पता होगा अब तक नहीं पता तो बता देता हूं ईरान के जो प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रहीसी ये एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में मारे गए हैं तो इनके रिस्पेक्ट में दुनिया भर में कई देश हैं जो नेशनल मॉर्निंग कर रहे हैं मतलब कि सरकारी तौर पे वो कंट्री शोक मना रहा है उनको दुख है कि इब्राहिम रईसी मर चुके हैं ना इंडिया पाकिस्तान के अलावा जो मैप में एक लाइन बनी है ना कंट्रीज़ की ये मैंने बहुत जरा कम देखा है देखो यहाँ पे आप नोट कर पाओगे ये सब पर मेन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सरकारी तौर पे कहा है कि हम शोक बनाएंगे ईरान के प्रेसिडेंट और इनके विदेश मंत्री दोनों हेलीकॉप्टर में मारे गए हैं और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं आप नोटिस कर पाओगे इंडियन फ्लैग पोल पर बिल्कुल टॉप पे नहीं है यूजुअली टॉप पे होता है अभी आधा ये नीचे हो चुका है इसको कहा जाता है फ्लैग हाफ मास्क पे फ्लो करना तो जिस तरीके से इंडिया में जहां भी हमारे बड़े फ्लैग्स हम फ्लो करते हैं ये आधे नीचे कर दिए गए हैं सेम चीज हम देख रहे हैं आज के समय पाकिस्तान में इंटरेस्टिंग ऑब्वियसली ईरान में तो खैर होगा ये पांच दिन के लिए यहां पर ये लोग शोक बनाएंगे इराक में भी सेम आपको सीन दिखेगा सीरिया में भी लेबनान लेबनान इसराइल के नॉर्थ में कंट्री है हेजबुल्ला यहां पे ऑपरेट करता है लेबनान में भी आपको ये दृश्य दिखेगा टर्की में भी फिर इंडिया के नीचे अगर हम श्रीलंका मॉलडीव में भी देखें ना ये सारी कंट्रीज ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एक लाइन बन जाती है पूरी यहाँ पर ये सभी कंट्रीज इकट्ठा शोक बना रही हैं कि इब्राहिम रईसी अब मर चुके हैं मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा रेयरली देखा जाता है कि एशिया में ये सभी कंट्रीज इकट्ठा शोक बनाए वे अगर आप पूछ रहे हैं चाइना ने यहाँ पे नहीं शोक बनाया नहीं चाइना बहुत रेयरली ये करता है मैं चाइना के बारे में ये बता दूं बाहर का कोई भी लीडर मर जाए ना कोई बहुत ही एक्सेप्शनल केस हो के बहुत इंपॉर्टेंट एक लीडर था चाइना के लिए तभी ये अपना झंडा नीचे करते हैं तो चाइना के मामले में बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है आप अगर इब्राहिम तो 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 रईसी का जब फ्यूनरल होगा तब पुतिन शायद खुद जाए ईरान में या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजें अभी तक ये बात कंफर्म हुई नहीं है मगर रशिया भी बहुत दुखी है कि इब्राहिम रईसी की डेथ हो चुकी है अब एक तरफ तो इंडिया टर्की पाकिस्तान जैसा ये सब कंट्रीज यहां पर हो गए मगर दूसरी तरफ इसराइल और यूएसए ने कंप्लीटली डिफरेंट बात स्टार्ट कर दी है अभी तक वैसे मैं आपको ये बता दूं ईरान का जो सरकारी मीडिया है उसने ये कहा है कि किसी षड्यंत्र का केस हमको लग नहीं रहा मोस्ट प्रॉब्लम जो हेलीकॉप्टर था जिसमें उड़ रहे थे ईरान के प्रेसिडेंट इनके विदेश मंत्री ये टेक्निकल फेलियर की वजह से क्रैश हो गया है हालांकि इस पर अभी ये इन्वेस्टिगेशन बाद में और करेंगे और ये स्टेटमेंट देखिए इसराइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसराइल बार बार ये कह रहा है इनकी सरकार बार बार दुनिया को कह रही है कि हमारा कोई रोल नहीं है सब में हमने कोई प्लानिंग करके मोसाद ने प्लानिंग करके ये हेलीकॉप्टर नहीं गिराया था मगर एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जहाँ पर 15 मेंबर हैं पांच परमानेंट दस टेम्परेरी यहाँ ना सारे वर्ल्ड लीडर्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इस तरीके से खड़े हुए और सब ने शोक जताया कि इब्राहिम रईसी मर चुके हैं क्योंकि अगेन इन दी एंड एक वर्ल्ड लीडर है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का मेंबर है ईरान तो चाहे इन द पास्ट यू ने खुद काफी बार ईरान पर सैंक्शन लगा रखे हो मगर ये सब यहाँ पर खड़े हुए और इन्होंने शोक जताया नाउ इसराइल इसको लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है इसराइल की सरकार इसराइल के जो अम्बेसडर हैं टू यू इन्होंने ये कहा कि ये डिसग्रेसफुल है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इब्राहिम रईसी जैसे आदमी के मरने पर आप लोग दुख मना रहे हैं यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल टाइम्स ऑफ इसराइल का जो इसराइल के अम्बैसडर हैं टू यूएन इनका नाम है एरदान इन्होंने ये कहा कि चलो ठीक है रईसी के मरने पर दुख मना रहे हो ना तो एक काम करो हिटलर की भी जब डेथ एनिवर्सरी आती है ना भी यह किया करो एक मोमेंट रखा करो साइलेंस का तो इन्होंने कोर्स कटाक्ष में आ, एक तरीके से आपके लिए गुस्से में ये बात कही है इब्राहिम रईसी जो इसराइल के हिसाब से एक मर्डर आदमी है इसने बहुत गलत काम किए हैं और अगेन देखो इब्राहिम रईसी एक बहुत बड़े सपोर्टर थे हमास की और वर्बल सपोर्ट नहीं देते थे ईरान हथियार भी सेंड करता है हमास को और हमास ने इनिशियली एक बड़ा अटैक किया था इसराइल पर और आज भी आप अगर देखो तो हमास ने बहुत सारे इसराइल के लोगों को एज हॉस्टेज बनाकर रखा हुआ है तो जराइल की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आई हैं इन्होंने कहा है कि यूएनएसई जो कर रहा है बाकी कंट्रीज जो कर रही हैं ये बहुत ज्यादा गलत है यहाँ पे आप देख पाओगे इसराइल के लोग बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए बुचर ऑफ ईरान के लिए ये लोग खड़े हो रहे हैं और एक मिनट का साइलेंस रख रहे हैं ये बहुत ज्यादा गलत है तो क्या देखिए डिपेंड करता है कंट्रीज पर उनके दृष्टिकोण पर कौन सही है कौन गलत है इसका कोई प्रॉपर आपको जवाब मिलेगा नहीं इन दी एंड इट इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट और इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये सारे इस्लामिक कंट्रीज़ यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये पाकिस्तान इराक़ सीरिया इवन टर्की हालांकि टर्की अपने आप को एक संविधान के हिसाब से सेकुलर कंट्री कहता है बट ये जो सब कंट्रीज़ हैं इनका कहीं ना कहीं ईरान के प्रति एक स्नेह था सपोर्ट था क्योंकि जरूसलम के इशू को लेकर किसी कंट्री ने अगर ग्राउंड पर सबसे ज्यादा एक्शन लिया है तो वो कंट्री है ईरान इसलिए हम देख रहे हैं चाहे सीरिया हो लेबनान हो इराक हो टर्की हो इवन मॉलडीव आप अगर देखो ये सभी कंट्रीज शोक मना रहे हैं इंडिया की अगर मैं वैसे बात करूं तो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने ओपनली कहा है कि चाबहार पोर्ट डील जो इंडिया के लिए गेम चेंजर है ये इब्राहिम रईसी और जो इनके विदेश मंत्री हैं जो मारे गए हैं इनकी वजह से पॉसिबल हो पाई है बहुत लंबे समय से ये डील थोड़ी सी अटक गई थी इन दोनों ने पुश किया अपनी तरफ से एफर्ट डाला कि ईरान और इंडिया इस डील को मिल आगे बढ़ा लें और इवेंचुअली चाबाह पोर्ट दस साल के लिए इंडिया को मिल चुका है और मैं आपको ये बता दूँ इंडिया जो ये चाबाह पोर्ट वाला फार्मूला है ना ये रिपीट करने वाला है आने वाले समय में मैं आपको एक भविष्यवाणी बता रहा हूं कुछ साल रुक जाओ आप देखोगे बहुत सारे कंट्रीज में चाबाहर पोर्ट की तरह ही ना इंडिया को दस दस साल के लिए बहुत सारे पोर्ट्स मिलने वाले हैं दिस विल हैपन ये जो सेम फार्मूला है हम रिपीट करते रहेंगे तो हमारे लिए देखिए इब्राहिम रईसी काफी एक फायदेमंद आदमी थे हमको उन्होंने काफी बेनिफिट दिया है तो यहां पर देखिए मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन कि इसराइल ने जो स्टेटमेंट दी है कि बाकी सब चीजें अपनी जगह है मगर यह मत भूल जाना कि रईसी ने सपोर्ट किया था हमास को जो इनके हिसाब से एक आतंकवादी संगठन है एस इंडियंस हम नहीं मानते हमास एक आतंकवादी संगठन है सरकार ने अभी तक हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर किया नहीं है तो यहां पे मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन क्या आप इसराइल से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन और फाइनली आपसे यहाँ पे पूछूंगा एक क्वेश्चन हाल ही में वो कौन सा अफ्रीकी देश है जिसने यूएसए पर आरोप लगाया है कि यूएसए इनके देश में तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहा था मगर इन्होंने इस कु को इस तख्ता पलट को रोक दिया इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं यहाँ पे आप देख पाओगे इस कंट्री की आर्मी ने कहा है कि इन्होंने एक कु अटैम्प्ट रोका है इन्वॉल्विंग सेवरल अमेरिकन एंड ब्रिटिश मैन तो बताइए किस कंट्री की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किस अफ्रीकन कंट्री की बात कर रहे हैं जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका इजिप्ट या फिर कॉन्गो कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी स्टडी आईक्यू का यूपीएससी कोर्स खरीदने का सबसे बेहतरीन टाइम होता है जब एक बैच की शुरुआत हो रही होती है क्योंकि शुरुआत से जब आप ज्वाइन करते हो तो पूरा सिलेबस सिस्टमेटिक तरीके से आप फॉलो कर पाएंगे तो कॉमेंट सेक्शन में जाइए यहाँ पे आपको ये मिलेगा लिंक और यहाँ पे आप देख पाएंगे स्टडी आई का जो फाउंडेशन बैच है बैच नंबर एट ये शुरू हो चुका है इसकी एक बिल्कुल इंट्रोडक्टरी क्लास हुई है बीस तारीख को और इसका जो एनरोलमेंट है चौबीस तारीख के बाद बंद हो जाएगा तो अभी तारीख तक का आपके पास टाइम है आप एक फ्रेश बैच में बिल्कुल स्टार्टिंग से कर सकते हैं एनरोल ताकि प्रॉपरली आप यूपीएससी का सिलेबस फॉलो कर पाए यह एक बहुत अच्छा मौका है बैच अगला मुझे पता नहीं नोवा बैच कब लॉन्च होगा तो दिस इज अ ग्रेट टाइम टू स्टार्ट योर यूपीएससी प्रिपरेशन और बाय द वे जो यहां पे आप प्राइस देख रहे हैं ये कभी भी पे मत कर देना सिंपली यहां पर कोड यूज करिए पीडी टेन एंड यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल सिर्फ हजार रुपये पर मंथ पे करके आप यूपीएससी प्रिलिम्स मेन्स और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कर पाएंगे विद स्टडी आई क्यू वन टू वन मेंटरशिप मिलेगी लाइव क्लासेस होंगी यहां पर प्रिलम्स टेस्ट सीरीज आपको मिलती है बुक्स आपके घर में भेजी जाएंगी सो यू कैन बाय दिस कोर्स बाय यूजिंग द कोड पीडी टेन एंड सेव मनी इसी नोट के साथ यह वीडियो का थैंक यू फॉर लिस्टिंग लिस्ट राइ ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू